व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही बड़ा डाउट बच्चों के मन में चल रहा है कि जो पेपर होना है सीयूईटी का, उसमें जो बुक आने वाली है वो ओल्ड एनसीईआरटी के थ्रू आएगा या न्यू एनसीईआरटी के थ्रू। देखो, यूट्यूब के साथ एक इशू है, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, फिर अब मैं बता देता हूं। एक जब मैं खुद सीयूईटी दे रहा था ना, तो हमारे टाइम पर जब फर्स्ट टाइम सीयूईटी हुआ था, तब भी ये बात बहुत उठी थी कि जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसमें से भी आएगा। और हमारे पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है? यूट्यूब। क्योंकि बच्चों को उस टाइम पे, अभी जस्ट ट्वेल्थ करके निकले, इतनी अकल होती नहीं है कि कैसे खुद जाके स्टडी करे साइट को, इतना नहीं पता था हम लोग को। और उस टाइम सीवीटी साइट फर्स्ट टाइम आई थी, तो हमें सबने बोला रिलेटेड टॉपिक्स भी आएंगे, ट्वेल्थ की पढ़ाई के बाद आपको रिलेटेड वाले भी पढ़ने हैं। हमने भी बड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया, एक टॉपिक या एक क्वेश्चन नहीं आया बाहर से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पूरे यूट्यूब पे सारे बड़े बड़े चैनल सब बोल देते कि ये भी आएगा वो भी आएगा, पर एक टॉपिक एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। गाइस, मार्क माय वर्ड्स, जो आपका सीवीटी एग्जाम होता है ना, वो स्ट्रिक्टली यही फॉलो करते हैं। जो बच्चों ने ट्वेल्थ में पढ़ा है, जो बच्चों ने ट्वेल्थ में पेपर देके आए हैं, उसी का लेते हैं वो। अगर देखो, वैसे भी 60 क्वेश्चन आने, अगर एक या दो क्वेश्चन बाहर से आ गए, आपको अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए अपना टाइम मत वेस्ट करो इधर उधर की पढ़ाई करने में। 100% श्योरिटी से तो कोई नहीं कह पाएगा अभी, लेकिन ये बात लिख लो आप, और आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। आपकी जो न्यू एनसीईआरटी, जिसका आप ट्वेल्थ में पेपर दे रहे हो ना बच्चों, वही चीज आपके सीयूईटी के एग्जाम में भी आती है। तो आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है, वही मान के चलिए कि उसी के थ्रू आया। कुछ भी एक आधा एक्स्ट्रा टॉपिक आते भी हैं, तो करने की जरूरत कोई नहीं होती। दो तीन क्वेश्चन तो वैसे भी 60 में से 50 या 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, तो 10-5 क्वेश्चन तो छोड़ने ही है ना। तो उसके लिए अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जो आता है उसे अच्छे से कर रहे हो, ताकि आप क्लियर कर पाओ ना। जो आता है उसमें गलत तो ना हो कम से कम। तो मार्क माय वर्ड्स, इस चीज को लिख लो। आपको बड़े यूट्यूबर्स बहुत कुछ कुछ बोल रहे होंगे कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, होता क्या? अभी अगर वो लोग असम्पशंस नहीं करेंगे, तो आप लोगों से जुड़े कैसे रहोगे? आपके में डर कैसे पैदा नहीं होगा? बट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। बिकॉज सीयूईटी प्रोसेस दिखता लेंदी जरूर है, मुश्किल नहीं है, लेंदी है, बड़ा है, लंबा चलता है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपको परेशान नहीं करेंगे। एनटीए और डीयू भी यही कहता ना कि जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाए, बच्चे आ जाए कॉलेज में। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, प्रोसेस आपका इजी होता है, बस थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। मुश्किल कुछ नहीं करते कि जबरदस्ती और टॉपिक्स डाल दिए, ये भी कर लो वो भी कर लो, यहां से पढ़ लो वहां से पढ़ लो, नहीं। ट्वेल्थ में जो पढ़ा है स्ट्रिक्टली उसको अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छे से। उसकी एनसीयू की प्रैक्टिस बाद में मैं खुद कराऊंगा। आप लोग का ट्वेल्थ का जो मेन सिलेबस है उसी को फॉलो करना स्ट्रिक्टली। कोई और डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस, मैं आपको वीडियो के थ्रू नेक्स्ट में बता देता हूं। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।